हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। ओके शाहीन जी, कहने गुड इवनिंग सर, बहुत दिनों बाद आपकी क्लास में आया हूँ सर। अत्यंत ही स्वागत है आपका सर। और बताइए सब लोग बढ़िया? हाँ जी, कल यूट्यूब पे ग्रामोथॉन ले रहा हूँ। कल शाम को तुम्हारी क्लास नहीं है ना, आ जाना यूट्यूब पे पढ़ना है तो। लंबी क्लास ले रहा हूँ, लगभग 6 घंटे की। अभ्यास DPQ जो मिक्स प्रैक्टिस है ना, वो कराने वाला हूँ लगभग 100 सवालों से। इफ यू हैव टाइम कम, इफ यू डोंट हैव टाइम बाद में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? ओके, 11 AM शुरू होगा कल यूट्यूब पर। ऑल राइट, ज्योमेट्री की क्लास 4th में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कितने सवाल कर लिए थे हम लोगों ने? आई थिंक कितने हो गए थे? 11। ओके, 11 11 11 11 11 ये हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 गौर से देखते हैं। आसान सा सवाल है, कह रहा है कि तीन एंगल ट्रायंगल के हैं। ए माइनस बी आपको 15 दिया है, बी माइनस सी आपको 30 दिया है, सी और आपको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी रेस्पेक्टिवली इनकी वैल्यू पूछी जा रही है कि इनका मान क्या है ये बता दूं। तो देखिए, किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल ए बी सी होता है, इसका सम क्या होता है? इसका सम होता है 180 डिग्री। दैट इज वन थिंग, ठीक। अब और जो जानकारियां दी हैं कि ए माइनस बी हमारा 15 है, बी माइनस सी हमारा 30 है। अब हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि कहां पर ए माइनस बी 15। देखो, टोटल 180 सब में होना चाहिए, क्योंकि इतना बुरा ऑप्शन वो नहीं देगा कि टोटल 180 ना बने। है कोई ऐसा ऑप्शन? नहीं, सारे में टोटल 180 है, तो उससे एलिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन ए माइनस बी 15 मुझे नहीं दिख रहा है हर जगह। यहां दिया है कितना ए माइनस बी, 20, गलत है। यहां दिया है 20, गलत है। 80 - 65 15 है यहाँ, और यहाँ 80 - 55 25 है, तो ये भी गलत है। एक ही जगह ए माइनस बी मैच हो रहा है, तो वही सही होगा, और तो कुछ सही हो ही नहीं सकता। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट करके सी को लगाने का तरीका हो गया। लेकिन अगर आप इसको सवाल को प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, तो भैया देखो ऐसा है, ये 15 डिग्री है, आप यहाँ लिखिए कि बी माइनस सी है, और बी माइनस सी हमारा ये 30 डिग्री है। अब हमें करना क्या होगा इस पर्टिकुलर सवाल में, कि देखो आप हर हर एंगल को ना एक सिंगल एंगल के टर्म्स में लिख लो। जैसे मैं ए को बी के टर्म में लिख सकता हूँ, ए हमारा बी प्लस 15 है, तो मैं ए को ऐसे लिख सकता हूँ, बी प्लस 15 प्लस बी। और जो सी है उसको भी बी के टर्म में लिख सकता हूं मैं, वो है बी माइनस 30। जैसे आप ये कार्य करेंगे, आपको एक ही वेरिएबल यहां बचेगा बी, तो आपको ये बना 3b - 15, ये 180 हो गया। यहां से 3b की वैल्यू 195 आ गई, और यहां से अगर आप बी की वैल्यू निकालोगे, 3 6 18, 3 5 15, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 65 यानी 65 आ गई। ओके, तो बी हमारा 65 डिग्री आ गया। अब बी हमारा अगर 65 डिग्री आया, तो ए आपको पता है उससे 15 ज्यादा है, ए हमारा 80 डिग्री हो गया। सी जो हमारा है वो 20 से 30 कम है, तो ये वैल्यू आपकी 35 डिग्री हो गई। तो आप इस तरह से तीनों वैल्यूज को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जिसकी आवश्यकता इस सवाल में थी नहीं, ठीक है। 12वां सवाल हो गया, आते हैं 13वें प्रश्न पे। ओके, अब 13वां प्रश्न करने के पहले ओके हमें कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है। जैसे 13वां प्रश्न का पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर मैं वो चीज बताता हूँ आपको क्या। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है आपका, मान लिया ए बी सी, तो त्रिभुज बना देता हूँ मैं ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया आपका ए बी और सी। इस त्रिभुज में कह रहा है कि डी और ई पॉइंट है, ऐसे ये डी है, ये ई है, तो डी बना दिया आपने। डी ई हमारा बी सी के पैरेलल है, तो डी बी सी के पैरेलल हो गया। डी एफ हमारा बी ई के पैरेलल है, राइट। अब ये एफ पॉइंट कहाँ है, ये पहले हमें खोजना पड़ेगा। एफ पॉइंट कहाँ है? डी एफ अगर बी के पैरेलल है तो, राइट। एक मिनट, ए डी और डी बी का रेशियो 1:3 दिया है, इसको आप पहले लिख लें, 1:3 है। एफ पॉइंट कहीं दिया हुआ है, कहाँ है? कुछ लोग कह रहे हैं ई के ऊपर है, कहाँ दिया हुआ है ये पॉइंट एफ, कहाँ है? एबीसी एक ट्राइंगल है, डी और ई पॉइंट ए बी और ए सी पे है, डी बी सी के पैरेलल है, डी एफ बी ई के पैरेलल है, नहीं डी एफ बी ई के पैरेलल है, बट एफ पॉइंट है कहाँ ये नहीं दिया हुआ है ना, राइट। इनको देना चाहिए था, लेकिन हमें कहाँ इस पॉइंट को मानना है, वो एक्चुअली पॉइंट लिखना चाहिए था इनको, कि ये पॉइंट जो है आपका यहां पर होगा, एसी पे होगा। देखो पैरेलल है मतलब क्या है, पैरेलल है ये बताना पड़ेगा कि एसी पर एफ पॉइंट है, ये बोलना पड़ेगा। अपनी मर्जी थोड़ा हम समझ लेंगे कहाँ है, हम तो बीच में रोक देंगे एफ को फिर। सो दे शुड टेल कि एफ इज ए पॉइंट ऑन साइड एसी, ये बोलना पड़ेगा इनको, स्पेसिफिकली आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब सवाल को बहुत गौर से सुनना, यहां सवाल पूछ रहा है कि ए एफ का एफ सी से अनुपात क्या होगा। तो देखो, इस सवाल को आप पहले करें, उसके पहले एक छोटा सा थियरम होता है जिसका नाम होता है
थेल्स थ्योरम, किन लोगों ने थेल्स का नाम सुना है कभी? हाँ जी, थेल्स जी का नाम सुना है आपने कभी? तो थेल्स जी ने क्या बोला था, थेल्स थ्योरम कुछ इस प्रकार का है कि अगर हमारे पास लेट अस से कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में आप दो बिंदु ऐसे ले लें इस तरीके से, और ये हो गया हमारा ए बी और सी, और अगर ये हमारा इसके पैरेलल हो जाता है, ये डी कह लें ये ई कह लें, तो जो अनुपात ए डी का डी बी से होगा वही अनुपात ए ई का ई सी से होगा, राइट। ये अनुपात इक्वल होता है। अभी मैं इसका प्रूफ आपको नहीं दूंगा क्योंकि जब मैं सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा आपको तो आपको समझ में आएगा, ये तो बाय डिफॉल्ट सिमिलैरिटी समरूपता समझ के अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये तो हो गई, इट्स नॉट नथिंग न्यू, राइट। बट इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, तो थेल्स जी को क्रेडिट तो देना पड़ेगा। देखो थेल्स थ्योरम, ओके, कि अगर ये पैरेलल साइड्स हो गया तो एडी का डीबी से रेशियो एई का ईसी से रेशियो बराबर होगा, और दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं कि अगर ऐसा है किसी त्रिभुज में और डी और ई पॉइंट ए बी और ए सी पे हैं, तो अगर ऐसा है तो डी ई बी सी के पैरेलल होगा, ठीक है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर ऐसा है तो ये, अगर ऐसा है तो ये पैरेलल होगा। यहां आप चाहो तो लिख लो कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब आप कहोगे ठीक है इतना जान गया, अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा थेल्स थ्योरम का, तो चलो आगे और थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल देख लेते हैं। अब एक बहुत अच्छी बात है इस सवाल में कि जैसे ये एक रेशियो तीन तुमने लिखा, तुम तुरंत ही कहोगे कि जो ए ई है हमारा ये वन बनेगा और ये वैल्यू हमारी थ्री बनेगी, बनेगा कि नहीं बनेगा वन रेशियो थ्री? यस, ए ई का ई सी से रेशियो भी वन रेशियो थ्री हो जाएगा। यहां पर किसी को किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और त्रिभुज दिखाने जा रहा हूं जिसको थोड़ा गौर से सभी को देखना है, वो त्रिभुज मैं हाईलाइट करूंगा, वो ये त्रिभुज है। मतलब अब देखो, आप किसी भी तरह से मुझे इस डीएफ को जो कि इसके पैरेलल है, अब कैसे भी करके मुझे इसको भी तो रिलेट करना है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अब किसी तरह से मुझे इसका ब्रेकअप भी करना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझसे ए एफ और एफ सी का रेशियो पूछा है। तो ये जो वन एक टुकड़ा मेरे पास है, इस वन टुकड़े को मैं कैसे तोड़ू? तो देखो इसका सोल्यूशन क्या है, आप ये त्रिभुज देखो, एक्चुअली में अब ये वाला त्रिभुज देखो, इसमें हम थेल्स फिर से लगाएंगे। इसमें आप कहोगे कि अगर ये वन रेशियो थ्री है ए बी ई में, ए डी मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई में ए डी और डी बी का जो भी रेशियो होगा, क्योंकि डी एफ आपका बी ई के पैरेलल है, वही अनुपात ए एफ का एफ ई से भी बनेगा। ये बात सभी लोग गौर से समझ लें, क्योंकि ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं तो ए डी का डी बी से अनुपात ए एफ बटे एफ ई के बराबर होगा। तो आप कहोगे ये वैल्यू मेरी 1/3 है, तो ए एफ और एफ ई क्या होंगे, ये भी 1/3 के रेशियो में ही बटेंगे। तो आप कहोगे एक काम कर लेते हैं, ये जो एक है ना, मुझे इसको भी 1/3 में अगर बांटना है तो मैं इस 1 को 3 लिख लूं और 3 को 9 लिख लूं, क्योंकि अनुपात तो अभी भी वही होगा, 3:9 भी 1:3 का अनुपात है। अब इस 3 को मुझे 1:2 में बांटना पड़ेगा या 1:3 में बांटना पड़ेगा, 1:3 में बांटना पड़ेगा, राइट। ये मैं बोलूंगा, सॉरी एक मिनट एक मिनट, 1:3 में अगर बांटना है तो इसको मुझे 4 लेना पड़ेगा, इसको मैं 4 लूंगा, इसको मैं 12 लूंगा, तब बटेगा ना 1:3 में, ये 1, 3, ये 12, ठीक है। अभी तक किसी को कोई शंका? नोबडी शुड हैव एनी कंफ्यूजन टिल नाउ। अब अगर मुझे ए एफ का अनुपात एफ ई से लिखना है, एफ सी से लिखना है, तो जब ए एफ मेरा 1 है तो एफ सी कितना हो गया, 3 और 12 मिला के 15, 4 और 12 मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि मैं फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लिखना चाहता हूं, मैं लिख सकता हूं, ऐसा नहीं है। आप अगर नहीं मानोगे कि हम इसको क्यों 4 ले रहे हैं, देखो अनुपात 1:3 है ना, उसी को अगर मैं 4:12 बोल दूं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि 1:3 में बांटना है, तो अगर मैं टोटल यहाँ 4 बना लूंगा तो मुझे बांटने में फ्रैक्शन नहीं लेना पड़ेगा। 4 को 1:3 में बांटने का मतलब है 1 और 3, और ये इतना 12 है, तो ये ए एफ का एफ सी से रेशियो 1:15 बन गया। अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कि ए एफ की वैल्यू मेरी बनेगी 1/4 × 1, क्योंकि टोटल तो 1 है ना। अगर आप इसको 1 लेके चलोगे तो आपको 1/4 × 1 बोलना पड़ेगा, आपको एफ ई को बोलना पड़ेगा 3/4 × 1, फिर भी हो जाएगा, क्योंकि तब आप जब ए एफ का एफ सी से रेशियो निकालेंगे, ए एफ का एफ सी से, तो आप कहोगे ये तो 1/4 होगा और नीचे हमारी वैल्यू कितनी होगी, 3 + 3/4, सेम वैल्यू आएगी, आपकी वैल्यू 1/15 ही आएगी, लेकिन यहां तकलीफ ज्यादा है और यहां सरलता से कार्य हो गया। तो हम 1:3 को 4:12 लिख सकते हैं, इससे हमारा समय बचेगा। 1:3 और 4:12 एक ही बात है, अनुपात तो वही है ना, ये अनुपात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
एक अनुपात है तीन का मतलब ये नहीं कि एक है और ये तीन है, इसका अनुपात ये है। तो अनुपात तो मैं इसको चार और बारह भी लिख सकता हूँ, सो दैट हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाए। तो ये सवाल जो है आपका थेल्स थ्योरम को समझने का बहुत अच्छा तरीका है। एक ही सवाल से आपका थेल्स के दो यूसेज हो गए, दो बार थेल्स थ्योरम हमने लगाए, एक बार सीधा और फिर उसको थोड़ा टिपिकल केस में भी लगा के देख लिया, और थेल्स थ्योरम इसी एक सवाल से आपका क्लियर हो जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस हाँ बोल दो यार, ताकि आगे बढ़े कि मेहनत हमारी सफल हो गई थेल्स थ्योरम समझने में। ये सिमिलरिटी से भी हो सकता है। साहिन जी मैंने सिमिलरिटी अभी नहीं पढ़ाई है, समझे कि नहीं? पढ़ाई है क्या? राइट, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको जब घर वाले कहते हैं कि 2+2 करो, तो वो कैसे कहता है? वैसे गिनेगा 1 1 1, चार संख्याएं से लेगा, कहेगा एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। वो ये थोड़ा ना बोलता है कि इसको पापा 2 × 2 = 4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बाद में होगा, अभी नहीं होगा, अभी पढ़ाई नहीं मैंने तुम्हें सिमिलरिटी। तो तुम्हारी वोकैबुलरी में सिमिलरिटी बी लाइक ए किड, आगे की बात बीच में नहीं घुसाने का, किड बन जाओ बिल्कुल किड। क्या मैं नहीं आती सिमिलरिटी क्या होती है? जब आएगी तब जानोगे ना, अभी कहाँ जानगे तुम? अभी तो थेल्स को इज्जत दो पहले, सीधे सिमिलरिटी की बात करोगे तो थेल्स आप कहाँ जाएंगे? उन्होंने भी तो मेहनत करी है थ्योरम ईजाद करने में, उन्हें इज्जत देने की आवश्यकता है पहले, बाद में सिमिलरिटी सीखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? से यस। हाँ जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। इस दिए गए चित्र कौन खा गया मेरा, एक मिनट रुको यार, क्या है ये? एक सेकंड लाइन पर रहना यार, मैं जरा टीम को लिखता हूँ कि क्या स्कैम चल रहा है भैया, चित्र हमारा कौन खा गया, अभी लिख दें वरना सैटरडे आज भूल जाएंगे लोग। ज्योमेट्री लिख दिया, ठीक है, ऑलराइट। टाइपिंग स्पीड मेरी अच्छी है, आई डोंट लुक एट द टैब, मतलब मैं कीबोर्ड नहीं देखता हूं जब मैं लिखता हूं, सो ऐसा नहीं कि मैंने कभी टाइपिंग सीखी है। बस क्या हुआ कि जब मैं यू नो व्हेन आई पास माय 12th, सो एक ही काम हमने किया कि चलो टाइपिंग सीखते हैं। टाइपिंग का मैंने कोर्स नहीं किया, मैंने खुद ही ASDF वगैरह समझा कैसे होता है, बस दो चार दिन दिक्कत हुई, समझ में आ गया, उसके बाद आई डोंट लुक एट कीबोर्ड एंड आई कैन टाइप राइट। एनीवे नॉट फॉर मोबाइल, दोस्त यूज लैपटॉप और डेस्कटॉप, मोबाइल में तो ऐसे ही सब दिखता है। मुझे नहीं पता कितनी चीज CGL में, ठीक है, बट बहुत छोटी सी स्किल है। जब मैं लोगों को देखता हूँ कि ऐसे कीबोर्ड में घुसे ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ यार प्लीज, मेरा फ्रेंड उसमें मिला, मैं देखा मार कीबोर्ड में ऐसे घुसा पड़ा है, मैं कहा ये 10 दिन का काम है, प्लीज यू कैन प्रैक्टिस, कह रहा जरूरत क्या है। आई वॉज नॉट सरप्राइज, मैं सरकारी ऑफिस में बैठ के उसको ज्ञान दे रहा था, कह रहा कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है, कह रहा हमें एफिशिएंट होना ही नहीं है, यही स्पीड हमारी ठीक है, मैं क्यों एफिशिएंट होना है? हमने कहा सही बात है, जब तुम्हें मोटिवेशन ही नहीं है, सॉरी रैम मोटिवेशन डिड नॉट वर्क राइट। तो आप तब से मैं सलाह नहीं देता हूँ लोगों को कि आप ये थोड़ा सा काम प्रैक्टिस कर लो। AD AE के बराबर है, CD हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, आपको बताना थीटा कितना होगा, यहाँ भी फिगर नहीं, ये क्या बदतमीजी यार। अच्छा यही सवाल था क्या? एक ही सवाल में दो बार गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, एक ही सवाल में दो बार फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, फिर से फिगर गया, अरे वही सवाल है, सॉरी 15वें सवाल पे आ जाते, ठीक ओके। AD हमारा बाइसेक्टर एंगल A का जो BC को D पर मिलता है, AB A है, BC B है, CA C है, तो हमें बताना है BD into DC किसके बराबर होगा। बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऐसे देखिए अलाइन किए गए हैं कि आपकी एक एक थ्योरम यहां से मैं कराता रहूंगा। तो जैसे ये सवाल जो है, ये सवाल बेस्ड है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे, तो चला थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है। मैं लिख रहा हूं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण समद्विभाजक
प्रमेय, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या होता है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि एंगल बाइसेक्टर त्रिभुज के केस में कैसा दिखेगा। तो जैसे मैंने कहा कि मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी एंगल को बराबर बाइसेक्ट कर उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो त्रिभुज में अगर हम कहें कि हमारे पास तीन कोण हैं, तो अगर मैं ए वाले एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक रेखा ऐसे खींचूं, ठीक, ऐसे इस एंगल को, तो इसको हम बोलेंगे कि एंगल बाइसेक्टर पासिंग थ्रू ए। अब जब इसको आप ऐसे बढ़ाओगे आगे, तो लाइन है बहुत ऊपर नीचे जाएगी, बट ट्राइंगल में ऊपर नीचे से हमें मतलब नहीं होता है। इस पॉइंट को हम डी बोल देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये ए डी, ये एंगल बाइसेक्टर बीसी को डी पर मिलता है, तो ये हमारा इंटरेस्ट होता है। अगर हम बी से एक एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, तो बी वाला एंगल बाइसेक्टर कहां मिलेगा जरा बताओ, यहां पर मिलेगा कहीं। इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारा बीई है, ठीक है, बी से जाने वाला बीई बोलेंगे। और फिर हम कहेंगे एक एंगल बाइसेक्टर हम सी से भी खींच सकते हैं, और सी से जाने वाला जो होगा वो हमारा सी एफ कहलाएगा, ठीक है। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक्चुअली में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलते हैं, सेम पॉइंट पर मिलते हैं, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर, जिसको हम बोलेंगे अंतः केंद्र। इसके बारे में विस्तार में चर्चा हम अलग से करेंगे, बस ये नाम सुन लो अभी, अंतः केंद्र, इन सेंटर बोलते हैं इसको, एक ही पॉइंट से गुजरते हैं बस ये ना। अभी हमारा फोकस सिर्फ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे है, इन सेंटर हमारा फोकस नहीं है, इसलिए क्यों मत पूछना अभी, जैसे कोई आ गया तो मुझे क्यों, आगे की कहानी है, बता रहा हूं बस। सेंटर्स हम बिल्कुल अलग से ठीक से पढ़ेंगे, कि सारे सेंटर्स जो ट्राइंगल्स के होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वी टॉक अबाउट दैट लेटर। अब जब तीन एंगल बाइसेक्टर बनाया, तीनों एक जगह मिलेंगे, तो ये बताना आवश्यक है ना तुमको कि मिलेंगे एक ही जगह, ये सत्य जान के चलो, आगे देखेंगे क्यों मिलते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंड ऑल, वी टॉक अबाउट दैट लेटर। अभी हमारा फोकस सिर्फ एंगल बाइसेक्टर है, तो लेट अस सी दिस। ये एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्शन का साइन जो है ऐसे बनाते हैं, तो इक्वल डिनोट करता है ये। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, ये आपको गौर से समझना है। वो ये होता है कि अगर ए से हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जो कि डी पॉइंट पर मिला, तो बीडी और डीसी का जो अनुपात होगा, मतलब ऐसे बोलते हैं कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को डी पॉइंट पर काटेगा, तो बीडी और डीसी का अनुपात वही होगा जो एबी और एसी का अनुपात होगा। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। एक्चुअली त्रिभुज में एक जनरल नोटेशन है कि ए की सामने वाली भुजा को ए बोलते हैं, ये जनरल नोटेशन है, बी के सामने वाली भुजा को बी बोलते हैं, और सी के सामने वाली भुजा को सी बोलते हैं, लेंथ में सी एंगल के सामने, ये जनरल नोटेशन है। तो अगर कभी इस नोटेशन का यूज किया जाएगा तो घबराना मत। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ए से मेरा एक एंगल बाइसेक्टर निकला है, तो ये होगा कि बी डी और डी सी ए बी बटा ए सी के रेशियो में डिवाइड होंगी, ए बी बटा ए सी का मतलब है सी बटा बी के रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि बी से जो एंगल बाइसेक्टर निकला है वो यहां ई पॉइंट पे काटेगा, और आपको लिखना हो कि सीई का रेशियो, सीई का रेशियो ई ए से क्या है, तो सीई का रेशियो जो ई ए से होगा वो वही होगा जो बी सी का अनुपात बी ए से होगा, या कह लो ए बी से होगा, बी सी का अनुपात बी ए से, ए बी से की बात है, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी ए बटा सी। सिमिलरली जो सी से एंगल बाइसेक्टर निकला है जो कि एफ पर मिल रहा है, अगर आपको लिखना हो ए एफ का रेशियो एफ बी से क्या होगा, तो ए एफ का रेशियो एफ बी से अगर लिखना है, तो ये सी ए बटा सी बी होता है। सी ए की वैल्यू आपकी बी है और सी बी की वैल्यू आपकी सी है। तो अंडरस्टैंड दिस एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एस एस सी को बहुत पसंद है, इसमें बहुत सवाल पूछते रहते हैं, बहुत आसान सवाल आते हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं आता है, ठीक है। तो अगला सवाल इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लेट्स अंडरस्टैंड कि वो प्रॉपर्टी क्या है। यहां पर आपसे क्या बोला गया, ध्यान से देखिए, BC बटा AC क्यों नहीं हो सकता, मतलब कहां BC बटा AC क्यों नहीं हो सकता यार, प्रमेय को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, प्रमेय का मतलब समझते हो क्यों, ये कोई अरिथमेटिक नहीं है बेटा, राइट। AF अगर मैंने गलत लिखा है तो हाँ ठीक है, वो चेक कर लेता हूं, लेकिन अदरवाइज AF और FB का रेशियो CA बटा CB होगा, तो B अपॉन A होगा, यस ये ठीक है। बट आप ये कह रहे हो कुछ कि साइड को उल्टा नहीं लिख सकते, नहीं भैया, ये प्रमेय है, जैसा है वैसा ही है, अपनी मर्जी से हम कोई खेल यहां नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट,
अच्छा ज्योमेट्री में एक बात और बेटा, मैं हर थ्योरम का प्रूफ नहीं दूंगा। उसका कारण यह है कि हर थ्योरम का प्रूफ अगर देने बैठ गया तो 6 महीने लग जाएंगे ज्योमेट्री खत्म करने में। ना उतना तुम्हें इंटरेस्ट है और ना ही उतना करने का मतलब है। तो आप एनसीईआरटी उठा के देख लेना, अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसका प्रूफ करके क्या मिलेगा तुमको? यू नीड टू नो द रिजल्ट एंड यूज इट। ओके, समझ में आया कि नहीं? जैसे कार चलाना है आपको, तो कार चलाने के लिए आपको ड्राइविंग स्किल चाहिए कि गियर कैसे लगता है, ना कि कार खोल के इंजन में, आई डोंट नो इंजन में क्या होता है, आज तक नहीं जानता हूँ, जरूरत भी नहीं है उसकी। सो नॉट एवरीथिंग इज मेंट टू बी प्रूव्ड। कई बच्चे, हाँ सर इसका प्रूफ बताओ कैसे होगा। ज्योमेट्री वो टॉपिक नहीं बेटा कि हर चीज का प्रूफ खोजने लगे तो पीएचडी तो कर लोगे ज्योमेट्री में, लेकिन खत्म नहीं होगा फिर टॉपिक। तो दैट इज नॉट समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डू। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इज अ स्टेटमेंट, ध्यान रखना है कि ये होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं इस सवाल पे आ जाता हूँ, जो प्रश्न है हमारा कि बीडी इंटू डीसी मुझे निकालना है। तो अब मैं यहां आऊंगा, इस डायग्राम को मैं वापस बनाऊंगा। जहां कुछ लॉजिकल होगा, जहां मुझे लगेगा कि किसी थ्योरम को बताने से किसी और सवाल को करने के प्रोसेस में मदद मिलेगी, वहां मैं बता भी दूंगा, तो वो काम मेरा है ना। डॉक्टरी डॉक्टर पे छोड़ दो। ए बी सी, एडी हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो लेट्स मेक एडी एंगल बाइसेक्टर। एडी बना दिया हमने, ये हमारा ऐसा ऐसा हो गया। अब एबीसी बोला है उसने कि एबी को ए मानोगे, यहां लेकिन जो दिया है वो नोटेशन मानना है, अपनी मर्जी वाला नहीं। यहां ए बी को ए बोला है तो इसको ए मानो, यहां बीसी को बी बोला है तो इसको बी मानो, और यहां इसने सीए को सी बोला है तो इसको जो दिया है वो मानेंगे। अगर ये नहीं दिया होता तो एबीसी वो स्टैंडर्ड नोटेशन बनता, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, बट यहां दिया है तो जो दिया है वो मानेंगे। नाउ लेट्स सी कि यहां पर बीडी और डीसी का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है यहां बीडी और डीसी का रेशियो, चूंकि ये एडी एंगल बाइसेक्टर लाइन है, ए रेशियो सी होगा, यस और नो? अब मुझे आप बताओ कि बीडी कितना होगा। आपको अगर बीडी की वैल्यू होगी ए बटा ए प्लस सी, और चूंकि पूरा जो बीसी का लंबाई है वो बी के बराबर है, तो मैं कहूंगा बीडी की लंबाई होगी ए बटा ए प्लस सी इंटू बी। डीसी की जो वैल्यू होगी वो होगी सी बटा ए प्लस सी इंटू बी। अगर मुझे बीडी और डीसी का प्रोडक्ट निकालना है तो बीडी और डीसी का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्या बनेगा जरा बताओ? ए बनेगा, बी के साथ स्क्वायर आ जाएगा और सी एक बार आएगा, बटा ए प्लस सी आएगा। सो ए बी स्क्वायर सी बटे ए प्लस सी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। यार ये आगे रेशियो का खेल है, अगर आपको रेशियो का बेसिक नहीं आता है तभी तकलीफ होगी आपको। अच्छा यहाँ ए प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, सॉरी बिल्कुल सही बोला आपने, हमने तो घोटाला ही कर दिया था, राइट? क्लियर है सभी को? और घोटाला मैंने क्यों किया था, क्योंकि मैंने ए प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं लिखा, जबकि दो बार ए प्लस सी आया तो स्क्वायर होगा, नीचे भी होगा स्क्वायर ऑब्वियसली। ऑलराइट, मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि ए और बी ऑप्शन कभी जिंदगी में सही नहीं हो सकते। बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इसका एक छोटा सा कारण है जो हम दूसरी डायमेंशन में आपको लेके जा रहे हैं। ए क्या है? कोई लंबाई है नहीं है, यस। बी क्या है? कोई लंबाई ही तो है। सी क्या है? कोई लंबाई ही तो है। जो तुमको निकालना है वो क्या निकालना है? दो लंबाइयों का गुणनफल, यही निकालना है ना। जिन्होंने 12वीं में थोड़ी फिजिक्स पढ़ी है उन्होंने एक बात पढ़ी होगी कि दो लंबाइयों के गुणनफल का जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर होगा, या आप कह लो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मतलब लंबाई इंटू लंबाई बचनी चाहिए, स्क्वायर में होगा। पहले ऑप्शन में लंबाई का स्क्वायर इंटू लंबाई, यह लंबाई की पावर 4 बटे लंबाई प्लस लंबाई, लंबाई प्लस लंबाई लंबाई होता है यूनिट में, मतलब ऊपर हमारा मीटर की पावर 4 है, नीचे मीटर है, मीटर क्यूब बनेगा, हमारा आंसर मीटर क्यूब नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन मीटर 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 स्क्वायर मीटर की पावर 4 बटे मीटर मीटर क्यूब है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर क्या है? मीटर की पावर 4 बटे मीटर स्क्वायर, तो ये नेट मीटर स्क्वायर है, तो ये लंबाई इंटू लंबाई हो सकता है, संभव है। यहां भी ए बी सी है तो आप कहोगे ये मीटर क्यूब है बटे ए प्लस बी, तो मीटर में जाएगा ये मीटर स्क्वायर, तो ये भी हो सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सी और डी हो सकता है, बट ए भी कभी नहीं हो सकता है। इस लॉजिक से भी ज्योमेट्री में कई प्रश्न निकल जाएंगे जहां पर तीन ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे कि निकालना तो हमें लंबाई इंटू लंबाई है, लेकिन तीन ऑप्शन में जो फाइनल रिजल्ट है वो लंबाई का क्यूब यानी मीटर का क्यूब बच रहा है, वो नहीं चलेगा। तो यू कैन रिजेक्ट जब आंसर वेरिएबल में, ज्योमेट्री में देखो ये भी एक शानदार चीज है जो आपके कार्य आएगी। ये 12th की फिजिक्स में बहुत करते थे हम लोग, विमा निकालते थे अगर आपको ध्यान हो,
एमएलटी माइनस टू, याद है फोर्स की विमा, आप तो अभी फिजिक्स पढ़ते होगे ना साइंस में, तो वहां एक विमा पढ़ते थे हम लोग, डायमेंशंस पढ़ते थे, उसका मैं सिंप्लीफाइड वर्जन आपको बता रहा हूँ, वो एमएलटी माइनस टू में नहीं जाना है क्योंकि यहां तो लंबाई तो सिर्फ मीटर है, मीटर की पावर फोर, ओके समझ में आया? तब नहीं पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ लो क्योंकि अब मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मोर प्रैक्टिकल वे ऑफ यूजिंग दैट, कि लंबाई इंटू लंबाई का यूनिट लंबाई स्क्वायर वाला ही होना चाहिए। तो ऐसे भी आप दो ऑप्शन, तो ऐसे कई सवाल होंगे जहां पर तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, समझे कि नहीं? यस, आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन यार समझ लेना कि इसमें एक नई बात डिस्कस की है मैंने। तो जो पहला ऑप्शन मैंने लगाया था, आर्ट स्टूडेंट है तो क्या हुआ हरकीरत जी, मैंने आपको बस रेफरेंस दिया है। अब आपको हम आर्ट के स्टूडेंट है तो हम यही नहीं समझते कि लंबाई जो है मीटर में मेजर की जाती है, ऐसा मत बोलो। कभी आप जमीन खरीदने गए कहीं, वो एक एरिया होता है, वर्ग फुट होगा, स्क्वायर फीट होगा, तो क्या कहोगे? हम आर्ट के स्टूडेंट हैं, हम नहीं नापेंगे, नापेंगे दे दो जितना देना है, वहां तुम फौजदारी कर बैठोगे? तो ये आर्ट और साइंस का रोना मत रो मेरे सामने। इतना आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि भैया बीडी एक लंबाई है, डीसी एक लंबाई है, तुम गुणा करोगे तो जो उसका यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर होगा, इसमें आर्ट और साइंस कहां से आ गया? बी प्रैक्टिकल, इट्स नॉट, इट हैज नथिंग टू डू विद 12th वाली फिजिक्स। मैंने बस रेफरेंस के लिए वो शब्द ले लिया कि कुछ बच्चे हैं जो 12th में फिजिक्स उन्होंने पढ़ी होगी तो चलो उनको 12th के बारे में ऐसे कुछ अच्छा लगेगा, जस्ट फॉर दैट। ऑलराइट, आगे बढ़ूं। 16वां सवाल, एबीसी त्रिभुज में बी और सी एंगल दिया हुआ है, बीसी को हमने डी तक प्रोड्यूस किया है, बाइसेक्टर बी और एसीडी के ई पर मिलेंगे, बीईसी का मेजर क्या है? तो ये सवाल करने के पहले फिर से हम पढ़ेंगे एक थ्योरम, ठीक है, देखिएगा थ्योरम क्या है, बहुत ही शानदार थ्योरम है। थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, देखिएगा ऐसा कोई त्रिभुज ले लो, और इस त्रिभुज में मैं इस लाइन को एक्सटेंड करने वाला हूं, यहां लिखूंगा ए, यहां लिखूंगा बी और यहां लिखूंगा सी, इसको हमने डी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैं एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा, राइट, क्या खींचा मैंने? एंगल बाइसेक्टर, थोड़ा डॉटेड लाइन बनाते हैं, इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, अंडरस्टैंड कि ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, इस एक्सटीरियर एंगल का वाह जो एंगल है इसका एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, यहां पर हमने इस बी एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा। बी एंगल में खास बात है कि देखो जब हम ए सी बी वाला एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं तो ए का इस्तेमाल हो गया एक बार, वर्टेक्स शीर्ष, सी का भी इस्तेमाल हो गया, बी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है उसका भी एंगल बाइसेक्टर हम खींचेंगे, राइट, यानी इसका भी हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा। तो ये एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, यहां पर जो ये वाला कोण बनेगा, अगर ये कोण मान लिया थीटा है तो ये कोण थीटा बाई टू होगा, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एंगल ई जो मेरा होगा वो एंगल ए का आधा होगा। इस प्रमेय का नाम क्या है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस प्रमेय का क्या नाम है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नेम। होगा कुछ नाम, नहीं भी होगा, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है रिजल्ट से, थीटा थीटा बाई टू। और समझ लो क्या हो रहा है, ए सी ई का एंगल बाई सेक्टर, यानी ए का इस्तेमाल कर लिया, सी का इस्तेमाल कर लिया और उसका हमने एक्सटीरियर एंगल पे बाई सेक्टर खींच दिया। फिर जो एक शीर्ष बच गया जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ था, हमने उसका एक अंदर से इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचा, इसका एक्सटीरियर यानी बाहर, इसका अंदर, जिस पॉइंट पर मिले वहां ये कोड बनेगा आधा, किसका? इस वाले कोड का, क्योंकि दो के तो बाइसेक्टर गए, एक का इंटरनल एक का एक्सटर्नल, इसका कोई बाइसेक्टर हमने नहीं खींचा है, थीटा से थीटा बाई टू हो गया, ठीक है। अब आते हैं और इस सवाल को, जो ये इसके पहले वाला सवाल था, इसको कर लेते हैं। हाफ क्यों होगा, रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है गब्बर, इसमें कोई रीजन नहीं है, ये प्रूफ करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बट मैं करूंगा नहीं। मैं इसको लिख सकता हूं, क्या बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये 180 माइनस सी है कि नहीं है? तो ये 90 माइनस सी बाई टू है, ये 90 माइनस सी बाई टू है, राइट, ये क्या है, ये बी बाई टू है। ये अगर तुम चेक कर रहे हो कि मुझे प्रूफ आता है कि नहीं आता है, तो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं। मान लो कि हाँ मुझे सारे प्रूफ आते हैं, बट मैं नहीं करूंगा, बट मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है ना कि शायद इस मास्टर को प्रूफ आता नहीं है। लो देखो, देखो ये 180 माइनस सी है, तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस सी बाई टू, और ये बनेगा 90 माइनस सी बाई टू। मैं मजे ले रहा हूँ, मैं करके अब दिखाऊंगा ताकि तुम दोबारा पूछो मत प्रूफ मुझसे। ये क्या है, ये आपका बी बाई टू है कि नहीं है? यस। ये क्या एंगल, ये तो भैया सी एंगल खुद ही है कि नहीं है? यस। ये एंगल आपका थीटा है।
अब देखो तीनों का जो एंगल सम होगा, ये इन तीनों का जो एंगल सम होगा ये तो 180 होगा ना, राइट। इसको आप एंगल ई ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं तो लिखते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे पास एक एंगल है बी बाई टू, मेरे पास एक एंगल है सी, और मेरे पास एक एंगल है 90 माइनस सी बाई टू, राइट। ये वाला पूरा एंगल हो गया, प्लस एक एंगल जो मुझे निकालना है उसको मैं लिखूंगा बीईसी, इसका टोटल 180 बना, लिख दिया मैंने, लिखा। अब एक बात बताओ मुझे, ये सी और सी बाई टू मिलके माइनस में क्या बनाएंगे, सी बाई टू, तो एंगल बीईसी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 90, ध्यान से देखना 180 माइनस 90, और ये सी बाई टू माइनस सी बाई टू से मिलकर सी बाई टू बनेगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस सी बाई टू, आया कि नहीं आया, यस। अब गौर से देखना, ये वैल्यू आपकी हो गई 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, यहां पर दो आप एलसीएम ले लो तो ये बनेगा 180 माइनस बी प्लस सी, बनेगा 180 माइनस बी प्लस सी क्या होगा, एंगल ए यानी थीटा, एंगल ए हुआ ना यानी थीटा हुआ, थीटा बाई टू। तो जब आप पूछोगे ये क्यों होता है, तो वो क्यों का मतलब है मुझे प्रूफ देना है, ये कोई ऐसे एरिथमेटिक की तरह लॉजिक नहीं है, ज्योमेट्री में प्रूफ हो जाएगा ऐसे करोगे तो। जो करें 90 माइनस सी बाई टू कैसे आया, यार ये अगर सी है तो स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये 180 माइनस सी होगा, ये 180 माइनस सी होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो आधा कर दिया मैंने 180 माइनस सी, तो ये मैंने प्रूफ दिया है कि मुझे सारे प्रूफ आते हैं, यस। हमने भी 10वीं में गणित पढ़ी है, वहां यही तो किया था प्रूफ, यही रट के नंबर मिलता था, सब आता है, ठीक है। इति सिद्धम तक प्रूफ करना हमको आता है, क्योंकि उसके बगैर तो नंबर ही नहीं मिलता था। एक बार मास्टर ने ना हमारा नंबर काट लिया, क्यों, क्योंकि मैंने इति सिद्धम नहीं लिखा था, समझ रहे हो। मतलब मैंने कहा सर, मतलब हाफ इडली कॉपी दिखा रहे थे, मैंने कहा ये क्या सर, मतलब नंबर भी काटा, कहा तुमने इति सिद्धम नहीं लिखा है, तो मैंने कहा सर इति सिद्धम मतलब हो गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS, अब इति सिद्धम और भी लिखना है क्या, तो इसी पे बहस कर ली मैंने, मेरी बहुत पिटाई हुई, मार भी पड़ी मुझे, पता है आपको। सर नाउ अंडरस्टैंड, मैंने ये पूरा कर भी दिया तो इससे क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, अल्टीमेटली रिजल्ट याद रखना है, इसलिए मैं ज्योमेट्री में हर चीज का बेटा प्रूफ नहीं दूंगा, इट्स टाइम वेस्ट ओनली, बिकॉज कुछ लॉजिकल समझाने का नहीं है, ऐसा कि मैं लॉजिकली समझा पाऊंगी ये थीटा, तो देखो ये थीटा बाई टू होगा, दिख जाएगा, नहीं, इट्स गोज थ्रू द होल टीडियस प्रोसेस ऑफ प्रूविंग इट, लेट्स अवॉइड दैट, राइट, लेट्स रिमेंबर द रिजल्ट्स, बिकॉज वही आपको नंबर देंगे, उन्हीं का इस्तेमाल करना है आपको, थीटा थीटा बाई टू, एंड वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसका क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17वां सवाल देखते हैं, तो कहाँ गया सवाल, ये है सवाल, सवाल आप देखो क्या यही प्रॉपर्टी है, आपको एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल में ए बी सी बना दिया, 90 माइनस सी बाई टू कैसे, साहिन अभी समझाया है तो तुम सो गए थे क्या, अभी समझाया मैंने, अभी जस्ट, राइट, थोड़ी देर पहले भी किसी ने पूछा था, समझाया मैंने, और तब तुम कहां थे, है बीसी को मैंने प्रोड्यूस किया डी पर, यहां पर डी आ गया। आगे बात देखो क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, फिर एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया और ए सी डी का बाइसेक्टर हो गया, ये ई पॉइंट पर मिले, कह रहा है बताओ इसका मेजर क्या होगा, आप कहोगे 72 है ये 44 है, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 में अगर मैं 72 प्लस 44 घटा दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये एंगल मिल जाएगा, तो ये हो गया 180 माइनस 116, 116 अगर घटेगा तो वैल्यू आ गई 64 डिग्री, यानी एंगल ए मेरा 64 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला होगा 64/2 यानी 32 डिग्री, आंसर क्या हो गया सी, तो उसी प्रॉपर्टी पे बेस ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, सवाल लगा लिया, ऐसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ लिया था, उसका सवाल लगा लिया था, राइट, लाइक दैट, तो आपकी चीजें एग्जाम्पल के साथ पक्की भी होती चली जाएंगी, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान होना चाहिए। अगला सवाल देखो, काफी अच्छा सवाल है, एबीसी अब कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल सी पे है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिया एंगल ए का, वो बीसी को डी पर मिला, ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है, एसी हमारा 4 सेंटीमीटर है, बीसी हमारा 3 सेंटीमीटर है, आपको बताना है एडी किसके बराबर होगा। अब देखते हैं कि इस सवाल को लगाने भर का ज्ञान रिजल्ट्स है हमारे पास या नहीं है, डायग्राम बनाते हैं समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखो ये हो गया हमारा त्रिभुज एबीसी, जहां पर राइट एंगल कहां पर है, सी पर है, तो ये आपको ए है, ये आपको बी है, और यहां राइट एंगल हो गया सी पर। एंगल ए का हम एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, ये बीसी को डी पॉइंट पर मिलता है, तो डायग्राम थोड़ा सा मुझे सरकाना पड़ेगा, कहां, थोड़ा इधर सरकाना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि हमें बीसी को एक्सटेंड करना पड़ेगा,
इसी को हमें से एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये लाइन हमारी थोड़ी ऐसी बनेगी, इसका हम एक बाइसेक्टर खींचेंगे, और ये बाइसेक्टर हमारा एंगल बाइसेक्टर थोड़ा तमीज से खींचते हैं, ऐसा बनेगा, राइट। तो ये बीसी को कहां काट रहा है, डी पॉइंट पे काट रहा है, और ये हमारा इस एंगल का बाइसेक्टर हमने खींचा। एबी हमारा 5 सेंटीमीटर है, एसी हमारा 4 सेंटीमीटर है, बीसी हमारा 3 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है। आपसे कह रहा है कि बताओ इस एडी की वैल्यू क्या होगी, आपको एडी की वैल्यू निकालनी है, ऑलराइट। सो ऑल्दो ये सवाल कुछ ऐसा है कि मुझे एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है, राइट, बट आपको ऐसा नहीं कि कोई इसके लिए बहुत हाई फाई थ्योरम की रिक्वायरमेंट है, नो। लेकिन हमें यहां पर एक थ्योरम की रिक्वायरमेंट है, और वो थ्योरम क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने यहां पढ़ा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहां जितने भी एंगल बाइसेक्शन हो रहे थे वो कौन से थे, इंटरनल एंगल थे, इंटीरियर एंगल थे। ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तुमने किया है, ये सारे इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए हमने एक प्रॉपर्टी डिराइव करी। हमें एक्सटीरियर एंगल से भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी मिलती है, तो जरा समझते हैं वहां क्या होता है। एक्चुअली रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा होता है, क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे आपने कहा कि मेरे पास, लेटर से मैंने कहा मेरे पास एक, सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले आपके रेफरेंस के लिए मैं जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है उसका रिजल्ट लिखता हूं, सो दैट यू कैन रिलेट। तो आपके तो ये ए है, आपके तो ये बी है, और आपके तो ये सी है, और जो मेरा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है वो ऐसा होता है, ठीक, इसको बोलता हूं डी। आप क्या रिजल्ट लिखते हो, आप लिखते हो कि अगर मुझे बीडी और डीसी का अनुपात लिखना हो, अरे क्या कर दिया, लो सब गायब हो गया, रीडू का ऑप्शन नहीं है, अंडू का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन क्यों नहीं है यार, अंडू कमांड पता है तुमको रीडू का क्या होता है, देख आप सीखेंगे, कंट्रोल वाई, अगर इस लड़के की बात सही चली गई, इतना यार क्या बताया तुमने, कंट्रोल वाई प्रेस कर दिया, पता नहीं क्या खोल दिया उसने, दूसरी विंडो खोल दी, और विंडोज का कमांड मैकबुक है, ये विंडोज का कमांड तो नहीं बता रहे हो तुम, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, रीडू चाहिए मुझे, मैकबुक रीडू कमांड, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ओ माय गॉड, मतलब कमांड शिफ्ट जेड बोलते हैं इन 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 मैक, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम कोई माइक, मतलब कहते हैं ना वर्ड फाइल में काम थोड़ा ना कर रहे हैं, ये तो सॉफ्टवेयर है अनअकैडमी का जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, अब इस पे नहीं है रीडू का सिस्टम, इट्स अ सॉफ्टवेयर ना वेयर वी आर टीचिंग, इसमें नहीं चलता है, राइट। कंट्रोल वाई वर्ड में होता होगा बेटा विंडोज में, मैक में नहीं, मैक का अलग खेल है, ओके एक बार और ट्राई कर लेते हैं, नहीं हो रहा है, चलो चलो कोई बात नहीं, इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स रीड्रॉ इट, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। मैंने इसलिए किया सिर्फ कि भैया यू नो तुम्हारे पास कंप्यूटर भी तो सिलेबस में है, ठीक है ना, क्या पता यही सवाल पूछ बैठे, तो तुम लोग आता है विंडोज का, आता है विंडोज का ही पूछेगा तुमसे, मैक का नहीं पूछेगा। तो ए बी सी पता लगा मैथ में तुमको मैंने बहुत तैयार कर दिया, तुम जाके कंप्यूटर में ही फेल हो गए, ठीक, तो इसलिए चेक करना पड़ेगा बीच बीच में। सो ये अगर एंगल बाइसेक्टर, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मुझसे ये कहता है कि BD बटा DC जो होता है ना, ये AB बटा AC के बराबर होता है, राइट, हाँ जी। अब जरा समझते हैं कि इसी A एंगल को अगर मैं इंटीरियर के बजाय एक्सटीरियर में बाइसेक्ट करूं तो क्या होगा, तो काम देखो वही कर रहा है सारा, कि हमारा इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, एंगल A का एक्सटीरियर एंगल ये होगा कहीं, मैं जरा इस एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता हूं, ये कुछ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, डायग्राम बड़ा छोटा बनाते हैं, बहुत बड़ा हो गया, मजा आ रहा है ज्योमेट्री में कि नहीं अभी तक, नहीं यार तो बता देना, अप्रोच बदल दूंगा, मतलब कुछ और तरीके से पढ़ाऊंगा फिर, है ना, सेलेक्ट हो जा भैया,
कुछ और एक सरका दिया, मैं डायग्राम फिर से बनाऊंगा कि डायग्राम स्क्रीन से बाहर जा रहा है मेरा जो कि चलेगा नहीं. सो लेट मी ड्रॉ ए डायग्राम इन सम डिफरेंट वे. सुनील के प्रश्न का जवाब जो मैं देता हूँ किसी लड़के ने दे दिया. सुनील ने बोला मजा नहीं आ रहा है. किसने क्या लिखा कि हम मजा लेने आए पढ़ने आए, यही बोलता मैं भी. बिल्कुल सही, मजा लेने आए पढ़ने आओ, मजा लेना जाके स्टैंड अप कॉमेडी देखो है. राइट, सो ये हमारा एक्सटीरियर बाई सेक्टर हो गया. टर्मिनोलॉजी बहुत सिंपल है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है. जो ए का एक्सटीरियर बाई सेक्टर है वो बी सी को जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, डी. देखो ए का जो इंटीरियर बाई सेक्टर बी सी को इंटरनली मिलता था उस पॉइंट को डी बोलते थे, यहां भी हम इसको डी ही बोलेंगे. मजेदार बात यह है कि जो बीडी का डीसी से रेशियो होगा अभी भी सेम कार्य करना है. इस बी से चलेंगे क्योंकि हमने ए का बाइसेक्टर किया है, तो बी से जिस पॉइंट पर ये बीसी को मिलेगा उसकी दूरी क्या है, बीडी. इस वर्टेक्स सी से इस पॉइंट की दूरी क्या है, सीडी. इसकी वैल्यू भी ए बी बटा ए सी के बराबर ही होती है. तो मैथमेटिकली आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, बट यहां बीडी की जो लंबाई है वो बीसी से बड़ी है बिकॉज डी पॉइंट उधर है, बाकी टर्म्स जो है सेम है, बीडी अपॉन डीसी बराबर ए बी बटा ए सी. तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये जो थ्योरम है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. देयर इज नो डिफरेंस इन व्हाट वी आर राइटिंग, टर्म्स आर एग्जैक्टली सेम, बट ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब बीडी हमारा बीसी से बड़ा है, बीडी पॉइंट बाहर है, अंदर नहीं है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस. तो हाउ टू नो इट, कि चाहे मैं इंटरनल बाइसेक्टर खींचूं चाहे मैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचूं, ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वो हम बी पॉइंट से जाएंगे डी पॉइंट तक और सी पॉइंट से जाएंगे डी पॉइंट पर, जहां डी पॉइंट क्या है कि बाइसेक्टर बी सी को कहां मिलता है. ये एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल मतलब जो बाह्य कोण है उसको बाइसेक्ट करता है, यहां ये इंटीरियर बाइसेक्टर है क्योंकि अंतः कोण को बाइसेक्ट करता है. ठीक है, सो अब यही प्रॉपर्टी मुझे यहां लगानी है. कैसे लगाऊंगा मैं, बहुत गौर से देखना. आप सबसे पहले मुझे बताओ कि हमने ए का बाइसेक्टर खींचा, एक से कौन सी दो भुजाएं जा रही हैं, एक चार वाली एक पांच वाली, चार वाली सी पे मिलती है और पांच वाली बी पे मिलती है. यस, तो आप कहोगे कि जो पांच बटे चार होगा यानी ए बी बटा ए सी होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी. हम बी से जाएंगे डी तक तो हम कहेंगे बी डी, हम बी से जाएंगे सी तक यानी बी सी. अब हमारी बी डी की जो वैल्यू है, बी सी की वैल्यू मुझे पता है तीन है, तो बी डी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है जरा बताओ. आप कहोगे बी डी की वैल्यू आ गई पांच या पंद्रह बटे चार. हमें सी डी की वैल्यू चाहिए, अगर ये निकल जाए तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ए डी की वैल्यू. यस और नो, यस. तो हम कहेंगे कि हम निकालते हैं यहां से सी डी की वैल्यू. सी डी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब सी डी की वैल्यू यहां से आपको कैसे मिलेगी, पंद्रह बटे चार में तीन घटा के ये हो गया आपका तीन बटे चार, तो सी डी की वैल्यू आई आपकी थ्री बाई फोर. Yes or no? हाँ बोलिए अगर आपको समझ में आया, ना बोलिए नहीं समझ में आया तो ठीक है. ऑल राइट, इज इट क्लियर और नॉट. मैं कह रहा हूं कि बी डी बटा डी सी जो है वो पांच बटे चार के बराबर होगा, बी सी की वैल्यू क्या बी डी बटा डी सी बी सी होगा, जी नहीं ये रिलेशन गलत लिखा मैंने, बी डी बटा सी डी ही तो होगा. राइट, आई रोट इट रॉन्ग, इट वॉज एब्सोल्यूटली रॉन्ग. यहां सी डी का सी डी होगा और ये थ्री प्लस सी डी होगा, ऐसा होगा. ऑलराइट, राइट, मुझे यहां से सी डी निकालना है तो ये बनेगा फाइव सी डी माइनस फोर सी डी बराबर बारह, सी डी की वैल्यू बारह आ जाएगी. इसको लिखने का एक और तरीका है, मैं आपको समझाता हूं. अच्छा ये बताओ BD बटा CD जब आप लिखोगे तो BD बड़ा होगा, ये तो पता है ना, तो जो दो भुजाएं हैं पांच और चार उसमें पांच ऊपर जाएगा चार नीचे जाएगा, आंख बंद करके बोलो ना ये बात. इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, एक यूनिट. इन दोनों का अंतर ये है BC, एक यूनिट तीन के बराबर हो गया. CD तुम्हारा चार यूनिट हुआ, चार यूनिट कितना हुआ, चार तीन बारह के बराबर हो गया, पांच यूनिट पंद्रह के बराबर, सीधे लिखो ना बारह, ये कहानी क्यों कर रहे हो. रेशियो पढ़ा है उसका इस्तेमाल कब करोगे, जैसे नहीं पढ़ा है इतना तो आता होगा यार कि बीडी और सीडी में बीडी बड़ा होगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम में. तो पांच और चार जो दो भुजाएं यहां से निकल रही हैं, इसमें ये मत दिमाग लगाना कि चार ऊपर रहेगा कि पांच ऊपर रहेगा, पांच ही ऊपर रहेगा यार, बीडी बड़ा है.
पांच ऊपर चार नीचे, इन दोनों का जो अंतर है ना बीडी और सीडी का, वही तो बीसी है, वो तीन है, तो अंतर एक यूनिट तीन के बराबर हो गया, तो चार यूनिट बारह के बराबर हो गया ना, तो ये वैल्यू बारह आ गई। अब अगर ये बारह आ गया सर, तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कितने लोगों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है? पहले भैया हम भरोसा नहीं कर सकते आप पे, पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं राइट। मैं क्यों भरोसा नहीं करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। इसको बोलते हैं एच, यानी हाइपोटेनस, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। एक भुजा इसमें परपेंडिकुलर कहलाती है, एक भुजा इसमें आधार कहलाती है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस, अगर अंग्रेजी का टर्म यूज करोगे तो एक भुजा परपेंडिकुलर होगी और एक भुजा बेस होगी। कौन सी परपेंडिकुलर कौन सी बेस, इसका कोई अभी वो नहीं, किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस बोल दो, बट मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है। इसका स्टेटमेंट यह है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने, इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि नाइन्थ में क्या हुआ हमारे साथ, हम बताते हैं आपको। मेरे साथ एक लड़का था, अभी लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट पीएससी में पोस्टेड है, बहुत अच्छी खासी सैलरी है। अब नाइन्थ में हमारे मास्टर ने क्या किया था, हमें ये पढ़ाया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। हमारे मास्टर ने जब हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई तो उन्होंने ये डायग्राम नहीं बनाया। अब आप सोच रहे हो कुछ भी डायग्राम बनाया ही नहीं, बोला पाइथागोरस थ्योरम होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम लोगों को नहीं पता कि ये कोई डायग्राम है जहां पर रिजल्ट आएगा, राइट। फिर मास्टर साहब अगले दिन आए और अगले दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे एक डायग्राम बनाया, राइट। और यहां उन्होंने ए लिखा, यहां उन्होंने बी लिखा और यहां उन्होंने सी लिखा और बोला ऐसे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बोले ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब वो लड़का खड़ा हो गया, उसने बोला वो लड़का रटने में बहुत तेज था, मतलब मैंने आज तक जिंदगी में सुनते हैं कि लड़कियां रटने में तेज होती हैं, बट मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। वो लड़का कुछ भी रट लेता था यार, वो मास्टर से लड़ गया, उसने कहा कि ये गलत है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मास्टर को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि कल जब आपने पाइथागोरस पढ़ाया तो आपने दिमाग में डायग्राम आपने बना लिया, हमें तो बना के दिखाए नहीं। मेरे मन में भी यही ख्याल आया था, लेकिन मैं बोलता नहीं था नेसेसरी, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत पिटता रहता था और मेरे बगल में बैठा हुआ था और उसने कहा ये गलत है, मैंने कहा बिल्कुल गलत है, खड़े हो जाओ टेस्ट करने के लिए, दोस्त बगल में तो खुद क्यों कूदे आग में, चल खड़ा हो जाओ, सही में गलत पढ़ा और सच में मुझे भी लग रहा था गलत ही है, ठीक है। मास्टर ने उस बच्चे को बहुत कूटा, ठीक, बिकॉज यू कैन नॉट क्वेश्चन मास्टर्स, राइट। सो देयरफॉर आई राइट इन दिस वे, जब मैं अब इसलिए मेरे दिमाग में वो पिक्चर हमेशा रहती है कि जब भी मैं कोई टर्म लिखता हूं ना एबीसी, तो मेरे को वही याद आता है कि भैया एबीसी में कहीं बच्चा फंस ना जाए, उलझ ना जाए, तो एक्सप्लेन देम। एंड देयरफॉर मैंने क्या लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होता है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे, और हाइपोटेनस क्या है ये बता दिया मैंने, ओके। तो वापस आ जाओ इधर, निकाल लेते हैं यार, यहां पर आ जाते हैं, लेट सॉल्व इट। तो आप हो गए, ये 12 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर निकालना है, तो ये बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 144 16 कितना हो गया 160, रूट 160 कहां दिया हुआ, बी ऑप्शन, हाँ जी बी इज द राइट आंसर। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं, यस। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। ये सवाल किस पे बेस्ड है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, इन दोनों का इस्तेमाल करने से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां सवाल। एक त्रिभुज हमारे पास है एबीसी, बीडी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को और ये एसी के परपेंडिकुलर भी होगा,
If the length of the sides of triangles are expressed in terms of A and B, it's shown. Right? ये हमारे वही मास्टर साहब लग रहा है, स्लाइड बना दिए आज. डायग्राम भूल गए हैं, डायग्राम उनके दिमाग में है और कल वो कूटेंगे भी. राइट उन्होंने हमारा पीछा अभी तक छोड़ा नहीं है लग रहा है. देखो डायग्राम ही नहीं है. इतना मन से मैं सवाल पढ़ रहा था और सोच भी रहा था कि आंसर में नंबर कैसे दिया हुआ है जब यहाँ ए और बी है. ये मन में आया, फिर मुझे लगा जो देखते हैं क्या है सवाल. तो डायग्राम ही नहीं है. ठीक है चलो कल खोज के लाएंगे. इसको भी अभी छोड़ दो आप. राइट 19वां सवाल देख लेते हैं. एबीसी एंगल में एंगल बी 68 डिग्री है, एंगल सी 32 डिग्री है. ए बी और ए सी को हमने प्रोड्यूस किया है डी और ई पॉइंट पर. डीबीसी और बीसीई के जो बाइसेक्टर हैं वो एफ पॉइंट पर मिलते हैं. हमें बताना है कि बी एफ सी जो एंगल होगा वो कितने के बराबर होना है. सो बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगेन देर आर वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जिसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहते हैं. और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि देखिए, अगर मेरे पास एक त्रिभुज दिया हो, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने कहा ये है मेरा ए, ये है मेरा बी और ये है मेरा सी. और यहां से हमने क्या किया, इसका एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, यहां से हमने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा. तो आपको पता है तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं एक पॉइंट पर. इस पॉइंट को हम इन सेंटर यानी आई बोलते हैं. तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं कि ये इसका बाइसेक्टर है और ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये वाला जो कोण होता है जो ये इस बीसी भुजा के साथ बनाता है जिसको हम बोलते हैं बी आई सी, ये एंगल आपका होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू. देखो ये बीसी से बना रहा है, बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर खींचा हमने, ए को भी छुआ भी नहीं है. तो जब मैं बी आई सी कोण देख रहा हूं जिसमें ए अभी आया नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 90 प्लस जो नहीं आया है उसका बाई टू. सिमिलरली अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं यहां पर ये जानना चाहता हूं कि हमारा ए आई बी एंगल क्या है. मान लिया आप इंटरेस्टेड हैं कि ए आई बी एंगल क्या होगा. सो ए आई बी एंगल में ए और बी का इस्तेमाल हो गया, ए और बी का बाइसेक्टर खींचा आपने, सी अभी तक नहीं आया है, तो ये होता है ऐसा. राइट सी नहीं आया तो सी बाई टू, 90 प्लस सी बाई टू. ऐसे ही अगर आप एंगल सी आई ए लिखिए, सी आई ए, तो सी और ए आ चुके हैं. जो बी एंगल नहीं आया है सी आई ए में, ये वाला एंगल अभी तक नहीं आया, तो ये 90 प्लस एंगल बी बाई टू के बराबर हो जाएगा. राइट तो अंडरस्टैंड कि ये रिलेशंस किस तरह से बने हैं. ओके आपके लिए लिखना ये आसान हो जाए. ओके अब हमने यहां इंटरनल बाइसेक्टर्स खींचे. सेम एक और चीज यहां पर आपको समझनी है एंगल बाइसेक्टर्स में ही, कि आप इंटरनल बाइसेक्टर के बाद अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचें, हम इसके बारे में विस्तार में चर्चा बाद में करेंगे जब हम एक्स सेंटर भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी महत्वपूर्ण बात बस आपको यह समझनी है कि अगर हम यहां पर इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर खींचेंगे, इसका बाइसेक्टर खींच लिया और हमने यहां इसका बाइसेक्टर खींचा, तो ये भी एक पॉइंट पर मिलेंगे. इस पॉइंट को मैं मान लिया ई बोल देता हूं. राइट ये एक्चुअल में एक्स सेंटर कहलाएगा, अभी सिर्फ ई बोल दो. तो आपका ये हो गया ए बी सी और यहां पर मैंने इसको ई बोला है. तो जब आप यहां पर ये वाला एंगल निकालेंगे और इसको मैं लिखूंगा इवन लिखूंगा, क्योंकि बाकी लोगों के बाइसेक्टर्स जो होंगे वो भी तो कहीं ना कहीं मिलेंगे. जैसे आप ए का बाइसेक्टर खींचोगे, मैं ए को भी एक्सटेंड करता हूं थोड़ा सा, आई नीड टू जस्ट मेक दिस डायग्राम लिटिल छोटा सा, थोड़ा छोटा कर लो ऐसे, इसको जरा सरका देते हैं. एक हाँ छूट गया, एक को भी तो लाना है. ठीक है तो यहां क्या होगा जरा इसको समझ लेना गौर से. तो यहां पर मैं इस ए को भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं इधर से, ताकि आपको विजुलाइज हो जाए कि क्या सीन बनेगा यहां पर. ये जो है हमारा बाइसेक्टर, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो यार, और लेट अस एक्सटेंड दिस आउट. यहां पर ऐसे बढ़ा लेते हैं इसको. इसका बाइसेक्टर खींचोगे तो देखो यहां मिलेगा. ऐसे ही इस बाइसेक्टर को अगर आप एक्सटेंड करोगे इधर, और इस बाइसेक्टर को आप एक्सटेंड करोगे इधर, तो आप देख सकते हो ना यहां पर एक पॉइंट पे मिलेंगे, यहां पर भी एक पॉइंट पे मिलेंगे. तो यहां पर जब मुझे ये वाला कोण लिखना होगा ना,
तो आप कहोगे जिसका अभी तक इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है वो ए है, तो बस यहां पर फर्क ये है कि ये 90 माइनस एंगल ए बाई टू है, यहां पर ये जो वैल्यू है ये 90 माइनस किसका इस्तेमाल नहीं हुआ था अभी तक, सी का नहीं हुआ, तो 90 माइनस एंगल सी बाई टू है, और ये वाला जो एंगल है इसमें ए और सी का इस्तेमाल हो चुका है, बी का नहीं हुआ है, तो ये 90 माइनस बी बाई टू है। एक्चुअली में बी का इस्तेमाल होता है, दैट विल टॉक अबाउट लेटर, बट आपको समझना कैसे कि दो का मैं एक्सटीरियर एंगल खींच रहा हूं और दो का एक्सटीरियर एंगल मुझे इस पॉइंट पे काट रहा है, तो जिनका एक्सटीरियर एंगल खींच रहा हूं उसके अलावा जो तीसरा है उस एंगल का इस्तेमाल होगा ये फाइंड आउट करने में, वो 90 माइनस हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि ज्योमेट्री में विजुलाइजेशन से एक फायदा है, कंफ्यूजन कहां होने का स्कोप है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, आप विजुलाइज कर लो। देखो जब हमने पहला डायग्राम बनाया और हमने इंटरनल बाइसेक्टर खींचा तो साफ साफ दिख रहा है कि एंगल 90 से बड़ा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इट इज क्लियरली विजिबल, 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है मुझे, ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है साफ साफ, एंड देयरफॉर 90 प्लस ए बाई टू, 90 प्लस बी बाई टू, 90 प्लस सी बाई टू। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो सारे एंगल 90 से छोटे दिख रहे हैं, एंड देयरफॉर 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस बी बाई टू, 90 माइनस सी बाई टू। बाकी तो नेचर ऑफ एक्सप्रेशन सेम है ना, 90 में या तो ए बाई टू जोड़ना है, बी बाई टू जोड़ना है, सी बाई टू जोड़ना है, या 90 में ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू घटाना है, एंड यू कैन विजुलाइज, आपको कभी भूलोगे नहीं आप, जस्ट थिंक अबाउट इट। एक्सटर्नल में माइनस है क्योंकि छोटा एंगल, अभी पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बैठी रहेगी, कभी नहीं भूलोगे आप। तो मैं वो मास्टर जी वाला काम नहीं कर रहा हूँ कि डायग्राम ही नहीं बनाया, रिजल्ट लिख के छोड़ दिया। देन फर्स्ट इट बिकम्स हार्ड टू मेमोराइज, वंस यू सी इट इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज, यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। क्या E2 E3 ट्राइंगल होगा, E1 E2 ट्राइंगल होगा, वो तो दिख रहा है कि ट्राइंगल है, इसमें सोचना क्या है, दिख रहा है कि ट्राइंगल है, वो नहीं दिख रहा है तुमको, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि दे ट्राइंगल, जो चीज दिख रहा है उसमें कैसा शंका बेटा। जब कुछ ऐसा हो कि मैं तुम्हें लाइन सेगमेंट दूं तब तो कंफ्यूजन होगा ना कि बनेगा कि नहीं बनेगा, जो साफ साफ दिख रहा है वो तो है ना ट्राइंगल। हाँ जी, जैसे आप सूर्य की रोशनी में हो, सूर्य आपके ऊपर पड़ रहा है, पड़ रहा है वो तो दिख रहा है साफ साफ, इट्स सनलाइट, नो कंफ्यूजन। तो ऐसे ही यहां दिख रहा है कि ट्राइंगल है भाई। चलो अब 19वें सवाल पे आते हैं, देखते हैं कौन सा वाला सवाल है, ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। एंगल एबीसी में एंगल बी 68 है, एंगल सी 32 है, ए बी और ए सी को हमने प्रोड्यूस किया है, डी और ई पॉइंट पे मिलते हैं, डी और ई पॉइंट पर प्रोड्यूस किया, ठीक है। चलो यार डायग्राम बना लेते हैं पहले, ए बी सी राइट, बी और सिंगल दिया हुआ है मुझे 68 32, ए बी और ए सी को हमने प्रोड्यूस किया है, तो हमने ए बी को प्रोड्यूस कर दिया, हमने ए सी को प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया, मतलब इसको हमने डी तक प्रोड्यूस किया, इसको हमने ई तक प्रोड्यूस किया, फिर हमने इन दोनों के बाइसेक्टर्स ले लिया, ठीक है ना, डी बी सी, डी बी सी ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण डी बी सी, ये वाला कोण है, इसका हमने एक बाइसेक्टर खींच दिया ऐसे, एक ये वाले कोण का हमने बाइसेक्टर खींच दिया कुछ ऐसे, और ये एक पॉइंट पर मिले राइट, इस पॉइंट पर मिले। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि अगर ये एफ पॉइंट पर मिले हैं और आपको बी एफ सी निकालना है तो बी एफ सी क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू। अब एंगल ए कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 180 में 68 और 32 घटाने से, 68 32 100 होता है, ये 80 हो गया, ये आपका एंगल ए हो गया, एंगल ए अगर 80 आ गया तो मैं करूंगा 90 माइनस 80 बटे 2 40, ये हो गया आपका 50 डिग्री, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी ये डायग्राम बनाना पड़ रहा है, आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल बी एबल टू विजुलाइज दिस डायग्राम मेंटली, बिकॉज वंस यू विल रीड द स्टेटमेंट सिंस देयर आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, आपको समझ अच्छा फंक्शनल बाइसेक्टर है, ओके एफ पॉइंट 90 माइनस थर्ड एंगल बाई टू करना, वो मेंटली आप कर पाओगे इस चीज राइट, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, ऑल राइट, ठीक है। बीसवां सवाल देखते हैं, एक ट्राइंगल एबीसी है उसमें बीडी एसी के परपेंडिकुलर है, सीई एबी के परपेंडिकुलर है, बीडी और सीई ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्टर ओबीसी और ओसीबी के एच पॉइंट पर मिलेंगे, बीएचसी दिया हुआ है, ए एंगल चाहिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर, और देखो सबसे पहले तो आपको यह समझना है
ट्रायंगल में एक टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्या होता है? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब त्रिभुज में जो होता है इसको हम बोलते हैं शीर्ष लंब हिंदी में। क्या मतलब है शीर्ष लंब का, जरा समझते हैं। त्रिभुज में पहले तो आप सभी को यह समझना है कि तीन शीर्ष होते हैं, ये तीनों को हम बोलते हैं वर्टेक्स। दे आर नोन एज वर्टेक्स, राइट। वर्टेक्स की हिंदी होती है शीर्ष। तो शीर्ष लंब क्या हुआ? इन शीर्षों से लंब डालना है, राइट। इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं विपरीत भुजा पर, तो यह कहलाएगा अल्टीट्यूड या फिर शीर्ष लंब। तो कितने शीर्ष लंब होंगे? तीन। एक आप यहां से ड्रॉप कर दो ऐसे परपेंडिकुलर, एक आप यहां से भी ड्रॉप कर सकते हो। यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये होती है कि तीनों एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, जिसको एच से डिनोट किया जाता है। तो तीनों एक पॉइंट से गुजरते हैं और एच जो पॉइंट होता है ये ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसके बारे में क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारे लिए यहां महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि त्रिभुज में मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर के केस में कोण देखे कि भाई एक पॉइंट एच होगा, आपको पता है एच पॉइंट क्या है। एच पॉइंट से अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो क्या रिलेशन बनेगी? तो आप कहोगे अगर ये थीटा होगा तो ये आपका 180 माइनस थीटा होगा। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। क्या चल रहा है? शट अप। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? प्लीज मत लड़ो, क्योंकि मुझे लड़ाई में ना बहुत मजा आता है। सॉरी होने की जरूरत नहीं है, हम भी इंसान ही है ना, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। दो लोग लड़ रहे हो तो मन करता है जानने का क्यों लड़ रहे हैं। सो यू नो आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। और तो सेंटर से मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? आपको मजा आता है, हम लोग को इससे बहुत इंटरेस्ट है। दो लोग लड़ रहे हो खड़े होकर देखने में, बस ये बताओ कि हमें मारनी पड़ेगी, ठीक है? तो मजा नहीं आता है, बहुत मजा आता है। आप कभी भी देखो यू आर गोइंग ऑन टू द रोड, और कहीं लड़ाई हो रही है, आपका इंटरेस्ट वहां पहुंच ही जाता है कि देखें कि दो लोग क्यों भिड़े हुए हैं। यू नो मैं तो खड़ा हो जाता हूं देखने के लिए, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, अनटिल एंड अनलेस कि मुझे रिस्क ना हो। मुझे रिस्क तो नहीं रुकूंगा मैं, ओके? लड़िए मत प्लीज, क्योंकि मैं फिर पूछूंगा क्या हो रहा है, तो फिर यू नो इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, ओके? तो यहां बस आपको यह समझना है सभी को कि ये एच पॉइंट और आई वाला पॉइंट नहीं। आई वाला पॉइंट कैसे मिला था? आई वाला पॉइंट आपको मिला था एंगल बाइसेक्टर से। ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये जो एच वाला पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है कि अगर आप यहां से ऐसे खींच दो तो 90 डिग्री बन जाएगा। ये मतलब है इसका, इसको तुम आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब ये है, इसको तुम आगे एक्सटेंड करोगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब ये है, तो ये एच पॉइंट वो वाला पॉइंट है, राइट? इट्स नॉट वो वाला पॉइंट कि जिसमें इन बाइसेक्टर था, वो अलग पॉइंट था, ये अलग पॉइंट है। हाँ जी, क्लियर? समझ में आई बात की नहीं? तो अब मैं इस एच को ऐसे नहीं बनाऊंगा, बट मैं यही सीधे सीधे कह रहा हूं तुमसे कि अगर ये पॉइंट एच है, एच का मतलब समझ गए ना क्या है, कि अगर मैं शीर्ष से इसको मिलाऊं और आगे बढ़ाऊं तो परपेंडिकुलर बनेगा। तो उस केस में क्या है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कि इसको मैं यहां से मिला दूं और ये वाला कोण क्या होगा, तो आप कहोगे बस इसके अपोजिट वाला कोण देखेंगे कि किसका इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं हुआ इसमें। इन दोनों से तुमने ज्वाइन किया तो ये दूर है अभी, ये अगर थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा। वहां ये 90 प्लस थीटा बाई 2 था, वो अलग पॉइंट था। अरे यार 90 प्लस, ये दोनों पॉइंट अलग अलग है यार। भाई आप सोचोगे ऐसे आपके पापा हैं और किसी और के पापा हैं, उनके नेचर बिल्कुल अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे पापा थे, उनका काम था पीटना हमें। हमारे मौसा जी रहते थे दो घर छोड़ के, वो बड़े चिल थे यार। उनके बच्चे 9 बजे सो के उठे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और हमें 5 बजे पहली वार्निंग मिलती थी, 5:15 बजे थोड़ी और तीखी वार्निंग मिलती थी,
और 5:30 पे सीधे गाल पे एक अलार्म बजता था जोर का. डिफरेंट, तो दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स बेटा, इट्स नॉट सेम पॉइंट. क्या सबके पापा एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं. ऑलराइट, आप नहीं मानते पापा, आप जाकर उनसे बोलो कि बचपन में आप ऐसा क्यों करते थे. कहते हम कहां मारते थे. ठीक है, पीपल चेंज विद एज एंड दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट, यू नो. सीधे नकार देते, कहते कहाँ ज्यादा शरारत करते तुम लोग, तब पिटाई करते थे हम. ठीक है, और लिखे तो उपन्यास लिख दे उनके ऊपर हम. बट अच्छा, अब लगता है ठीक ही है, मारपीट के ना अच्छा किया उन्होंने, अदरवाइज तो हम यहां तुम्हें पढ़ा तो नहीं रहे होते, आई एम श्योर. हाँ जी, हाँ जी, वो जो बाइसेक्टर होता है ना, तब ये 90+ थीटा बाई 2 होता है. समझ में आ गई बात? ठीक है, ऑल राइट. एच पॉइंट को यहां पर, इस एच वाले पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं. हम इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे. अब इस सवाल में जरा आ जाओ और इस सवाल को गहराई से समझो. पहले एबीसी त्रिभुज है, बीडीएसी के परपेंडिकुलर है, सीईएबी के परपेंडिकुलर है, बीडीसीई के परपेंडिकुलर है. ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं. आपको पता है ये ओ पॉइंट क्या है? ऑर्थो सेंटर है. शीर्ष लंब जो है दो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. बना देता हूं, राइट, लेट्स मेक द डायग्राम सो दैट यू अंडरस्टैंड. ए बी सी यहां कर दो, बी ए बी सी ऐसा कर दो आप. जब आप ऐसा करोगे तो आप कहोगे देखो ये बी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया बी डी, हमने सी सी पॉइंट, ये है सी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला ऐसे, सी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया सीई. ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर है. इसको आप ओ भी बोल सकते हो, चलेगा. अब तुम ओ बोल रहे हो तो ओ बोलेंगे, एच, वैसे एच का नोटेशन होता है ऑर्थो सेंटर, ओ बोलोगे. बाइसेक्टर ऑफ एच क्यों होता है पता है? सिंपल है यार, एच हाइट अल्टीट्यूड को डिनोट करता है, इसलिए एच बोलते हैं, राइट. बट इसका कोई ऐसा भी लॉजिक नहीं है, जस्ट टू गिव यू हिंट कि एच वो हाइट वाला, अल्टीट्यूड वाला है. अब बाइसेक्टर में तो कुछ डिनोट ऐसा कर नहीं सकते कि बाइसेक्टर वाला है. ठीक है, कि बाइसेक्टर तो वहां पर इन सेंटर का ही ले लेते हैं सीधे. अब आप क्या कह रहे हैं, आपसे समझना इस बात को. कह रहा है कि अब हम बाइसेक्टर लेंगे ओबीसी और ओसीबी का. ये देखो कितना बढ़िया पेंच फंसा रहा है. कह रहा है इसका बाइसेक्टर लो और इसका भी बाइसेक्टर लो. ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे, इनको देखो आई नहीं बोल रहा है, वो एच बोल रहा है, कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर रहा है वो. लेकिन आपको एक बात तो पता है कि अगर ये हमने बाइसेक्टर्स लिए, और किस एंगल के लिए, इस वाले एंगल का लिया है और यहां इस वाले एंगल का लिया है, तो एक त्रिभुज है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये बीओसी त्रिभुज है, इसके आपने इस एंगल और इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा, तो आप क्या बोलोगे कि जो बीएचसी एंगल है जो हमें निकालना है, पहले हम बीएचसी लिखते हैं, हमें निकालना अल्टीमेटली ए है, लेकिन अगर हम ये बीएचसी एंगल की बात करें तो आप बताओ बीएचसी एंगल किसके बराबर होगा? आप कहोगे ये होगा 90+ BOC/2, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में जो दो एंगल के आपने बाइसेक्टर खींचे हैं उसका ये वाले कोण का 90 में अगर एडिशन करेंगे तो मुझे ये मिलेगा. मुझे ये वाला एंगल 150 दे रखा है. अगर ये मुझे 150 दे रखा है तो मैं कहूंगा हमारा जो BOC एंगल है, एक मिनट, BHC बाइसेक्टर ऑफ OBC एंड OCB मीट एट H, जो 90+ BOC/2 160. ठीक है, तो बीओसी एंगल 120 डिग्री आ गया, कुछ गड़बड़ नहीं है. ठीक है, अब ये एंगल अगर 120 डिग्री आ गया और आपको ये पता है कि ये वाला पॉइंट ऑर्थो सेंटर है, ये अगर थीटा होगा तो बीओसी एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा. अगर ये थीटा है तो ये एंगल तो 180 माइनस थीटा है, तो ये अगर 180 माइनस थीटा है तो ये 120 के बराबर हो गया. थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 60 के बराबर हो गई. यस, नाउ लेट मी गिव यू ए स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर द सेम क्वेश्चन. ओके, व्हिच गेट्स लाइक दिस. मैं आपको इसी का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देता हूं, बट आपको केस याद रखना पड़ेगा, ठीक से घोटाला मत कर देना इधर उधर. केस में ये दे रहा हूं कि लेट से मेरे पास ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं. पहले वो पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है, वो पॉइंट आप समझ लेना कि ये वाला पॉइंट है, कि ये 90 डिग्री यहां बन रहा है और अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये यहां भी 90 डिग्री बनाएगा,
सो व्हाट शैल आई से कि दिस इज द पॉइंट जहां पर ये 90-90 का इंटरसेक्शन है, तो ये ऑर्थो सेंटर हो गया। देन आप क्या कर रहे हो, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना रहे हो, सॉरी एंगल बाइसेक्टर्स बना रहे हो, एक इसका और एक इसका। एक इसका और एक इसका। तो देन आई विल से कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये हमारा इसका एंगल बाइसेक्टर है। एक एंगल ये है। अब गौर से बस बात सुनना मेरी, अगर मैं इस एंगल को बोलता हूं कि ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा। और अगर ये 180 माइनस थीटा है, तो इसके हमने दो एंगल बाइसेक्टर्स खींचे हैं, तो ये बनेगा 90 डिग्री प्लस ए बाई टू, 90 माइनस थीटा बाई टू। इसका आधा कर दूंगा तो 90 माइनस थीटा बाई टू मिलेगा, तो ये वैल्यू होगी 180 माइनस थीटा बाई टू। दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 180 माइनस थीटा बाई टू। तो ये अगर थीटा है, तो ये सीधे 180 माइनस थीटा बाई टू है। अब आपका जो सवाल है, उसमें 180 माइनस थीटा बाई टू की वैल्यू दी हुई है 150। यहां से थीटा की वैल्यू आप सीधे निकाल सकते हो 60 डिग्री। बट ये केस बहुत अच्छे से समझ लेना, राइट? उसी सवाल का ये स्टैंडर्ड केस है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस केस एग्जैक्टली वेल एंड यू गेट द क्वेश्चन, यू यूज द फॉर्मूला 180 माइनस थीटा बाई टू, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ, तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो रिजल्ट है स्टैंडर्ड, ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इस पे सवाल आ चुका है एग्जाम में, दोबारा रिपीट होता है तो आपका समय बच जाएगा। बट सही से ध्यान रखना, ऊटपटांग तरीके से नहीं कुछ भी। हाँ जी, इसका नोट कहाँ मिलेगा? नोट बेटा जब आपका लेसन खत्म होता है, तो यही नोट जो मैं लिखता हूँ यही मिल जाएगा। क्या इंस्पेक्टर बाहर नहीं आ सकता? टाइपो बेटा, ऑटो करेक्ट हटा दो। कभी कभी ऐसा धोखा होता है ना, मेरे साथ दो बार ऐसा हुआ है कि क्या लिख के चला गया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब वो शब्द मैंने जिंदगी में कभी अपने जबान में इस्तेमाल नहीं किए होंगे, वो शब्द लिख के चला गया, ऑटो करेक्ट की देन, समझ रहा हूँ। तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर ही लिखा उसने। हाँ जी, आई ऑलवेज स्ट्रगल विद ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट मैंने बीच में जब वॉइस आया ना, वॉइस टाइपिंग, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि वॉइस टाइपिंग आ गई, हाउ इज इट इज। सो जैसे मुझे कुछ लिखना होता था, तो मैं वॉइस टाइपिंग से लिखने लगा कि बोलो, वो लिख देता था। तो मैंने एक बार आई थिंक रेमोथॉन लेना था मुझे यूट्यूब पर, और मैंने एक वॉइस करेक्ट टाइप, वॉइस जो मैसेज होते हैं ना, उससे बोला मैंने कि कल 11 बजे रेमोथॉन है, ठीक है, आना जरूर। तो उसने क्या टाइप किया, कल 11 बजे रैमो को थाने ले जाया जाएगा, आना जरूर। तो मुझे लगा अभी टेक्नोलॉजी बहुत नैसेंट स्टेज में है, वॉइस यूज करने का अभी समय नहीं है, क्योंकि कभी जल्दी में ऐसे हमने कुछ बोल दिया और लिख के भेज दिया किसी को, तो कांडी हो जाएगा, ठीक है। तो रैमो थान को उसने रामू थाने कर दिया। तो मैंने कहा अभी थोड़ा और रिफाइन होने दो टेक्नोलॉजी, सेम विद ऑटो करेक्ट, यू नो, अपने मर्जी से कुछ भी लिख देता है। हाँ जी, अगला सवाल देखिए। इन द गिवन फिगर, फिर फिगर नहीं है, देखो कितने सवाल हो गया, ऐसे तो कितना परसेंट सैलरी काटूं इन लोगों की टाइपिस के, 21 सवाल में 4 सवाल हो गया ना, जिसमें डायग्राम नहीं था, 4 या 5, ठीक है, ठीक है, 20% काट लेते हैं सैलरी, राइट? ऑल्दो 20 से थोड़ा कम है परसेंटेज, 4/21, 20% थोड़ा कम है, बट 20% काटते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो बर्दाश्त ही नहीं है। हाँ जी, ज्योमेट्री में डायग्राम नहीं, उसको लग रहा है अरिथमेटिक बना रहे हैं, है ना, कहीं डायग्राम ही नहीं डालना है कुछ भी। किसान सवाल देखिए, 21st क्वेश्चन, चलो आज इतना ही रखते हैं, सही कहा आपने, कल तो छुट्टी है, लेकिन अभी रुको, अभी थोड़ा देख लेते हैं क्या समस्याएं हैं आपकी, तो कुछ बर्निंग क्वेश्चन है तो पूछ लो, आज की क्लास में कुछ डाउट है तो पूछ लो। अगर आपसे दिए हुए क्लास एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये दो को कंप्लीट कर दें, तो और कोई बुक फॉलो ना करें तो चलेगा क्या? हाँ, काफी हद तक चल जाएगा काम, बट स्टिल मैं कहूंगा कि PYQs की एक किताब यार ले लो, मेरी ले लो, 51 वाली बुक, और उसको थोड़ा क्विक ग्लांस करो, ये करने के बाद
बुक पे चले जाओ, आपको बहुत सवाल फंसते हुए दिखेंगे नहीं, अगर कुछ सवाल फंसते हुए दिखे तो उनका भी सोल्यूशन देख लो। हाँ जी, सिलेबस कब तक पूरा होगा? यार अब तो अगर आपने 13 जुलाई को शुरू किया और ये सवाल आप पूछ रहे हैं तो फिर बहुत करीब ही हो तुम। ज्योमेट्री खत्म करो, मेंसुरेशन खत्म करो, हो गया। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स भी है, वो छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है। ओके, यूट्यूब चैनल नेम एंड टाइमिंग फॉर टुमारो। यूट्यूब चैनल नेम है अन अकेडमी। अरे इतना क्या, देखो तो हम तुम्हें लिंक दे रहे हैं सीधे, इवेंट की लिंक ही ले लो, कल की इवेंट लिस्ट हो गई शायद। लेट मी सी, एक सेकंड देना मुझे, इवेंट लिस्ट हो गई है यस कि नहीं? हाँ हो गई है। अरे ट्रेलर लगा दिया, अच्छा गुड। ये लो लिंक दे रहा हूँ तुम्हें, चैट में पिन कर दे रहा हूँ, रिमाइंडर लगा लो अगर आना है कल तो। क्लिक करो इस लिंक पे, अनअकैडमी यूपीएससी टेस्ट है कल 11 से 5, तो मत आइएगा, टेस्ट दीजिए आप अगर यूपीएससी कर रहे हैं तो। फिर ऑब्वियसली आपको नहीं आना है उस क्लास में, उसके बाद आ जाना 11 से 5। अच्छा फिर तो उसके बाद शायद हम ना मिले, ठीक है। पिन कर दिया मैसेज, लिंक पे क्लिक करके रिमाइंडर लगा लो सब लोग। ओके 11 बजे। और क्या प्रश्न है भैया? सवाल है किसी का देखते हैं। ओके, इस सवाल में एरर है बेटा, इस सवाल में एरर है, क्योंकि जो पूछा जा रहा है ना कि व्हाट इज द इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं 3/2 एंड 3/2, तो वो इक्वेशन क्या होगी? एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। इक्वल रूट के केस में परफेक्ट स्क्वायर बनता है। एक्चुअली में ये ऐसा नहीं होना चाहिए 3/2, इट मस्ट बी, यहाँ अल्फा बीटा के टर्म्स कहीं होने चाहिए जो कि नहीं लिखे हुए हैं। सो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। आप मुझे बता दो प्रैक्टिस का क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 से 7 मैं करेक्ट करवा दूँ, कुछ होगा उसमें भी अल्फा बीटा के टर्म्स होंगे तभी तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये 151 नंबर, आई थिंक ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है पी, तो मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा कि अगर दो रूट्स आपने 3/2 3/2 दे दिए ना, तो इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। ओके मिनट, आगे क्या है? जनवरी में किया स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री से, तो कब तक होगा सिलेबस? देखिए आप दो चीज समझिएगा, इफ यू वांट टू फिनिश सिलेबस अर्ली देन यू कैन यूज द रिकॉर्डेड कंटेंट, राइट? दैट इज ऑलरेडी देयर इन प्लस सब्सक्रिप्शन, जल्दी करना है तो। बट अदरवाइज यू कैन चेक आउट, देयर इज अ पेस दैट वी गो, आप प्लस में जाके पुराना देख सकते हो, हमने जब से पढ़ाया है टाइम तो लगता है। देखो तो इट्स एडवाइजेबल जिनको जल्दी कोर्स करना है, आप कुछ टॉपिक्स को रिकॉर्डेड कर लो, बिकॉज हम तो यहाँ डिटेल में ही पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। मैं साल में एक बैच पढ़ाता हूँ बस, ओनली वन बैच नहीं है, मतलब फाउंडेशन बैच की बात कर लेते हैं, तो उसमें वक्त लगता है कि आपका सारा टॉपिक तमीज से खत्म हो जाए। तो इफ यू हैव एनी टाइम रिस्ट्रिक्शन कि मुझे बहुत जल्दी खत्म करना है, देन यू हैव टू फिनिश थ्रू रिकॉर्डिंग, अदरवाइज इट विल गो इन द सेम पेस, इट विल टेक टाइम। 8 महीने तो मान के चलो आप टोटल, जनवरी से अगर आप बात करो, जनवरी से लाइव मोड में अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का थोड़ा बहुत यूज करिए आप। हाँ जी, मैं आपके साथ सर, क्वेश्चन बनते हैं बट कैलकुलेशन वीक, मैंने एंड यूट्यूब दोनों की हेल्प ली है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देखिए जहां कमियां हैं उनसे कभी घबराइए मत, उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करिए। किसी और को देख के मत घबराइए कि आपका कोई मित्र है जो बहुत तेज कर रहा है वगैरह वगैरह, उसकी तैयारी अलग होगी, वो कर चुका होगा सिलेबस वगैरह वगैरह। आप थोड़ा अपने पेस से समझ के करिए। 21 फरवरी को मैंने स्टार्ट किया नया जी, तो वही मैं आपके लिए भी सजेशन है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कोर्स कितना जल्दी खत्म करना चाहते हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग्स होंगी उसको आप यूज करिए अगर आपको जल्दी करना है तो, बाकी लाइव में तो पढ़ाया जाएगा। आपका स्टोर बैच परचेज किया है बट इसमें रिकॉर्डेड क्लास नहीं शो रही है, इसके लिए बेटा एक बार सपोर्ट में आप मेल कर दो, support@anacademy.com, राइट, पर उनको मेल कर देना। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रोसेस और बता दूंगा अगर ये सॉल्व नहीं होता तो, ठीक है। SSC की मैथ से कट हो सकता है, देखिए
कैट थोड़ा अलग एग्जाम है, तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी अलग होती है, तो आप कैट मेंटर्स को थोड़ा फॉलो करके देख लो कैसा पैटर्न है। मैंने अभी बहुत साल से कैट फॉलो नहीं किया है, सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग। डेफिनेटली जो टॉपिक्स कॉमन है वहां आपको हेल्प मिलेगी, बट थोड़ा सा कैट के क्वेश्चन डिफरेंट हो जाते हैं, सो यू हैव टू प्रैक्टिस, उनके मार्क्स देने पड़ेंगे, कुछ कैट के पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो प्लस कुछ टॉपिक्स जो यहाँ नहीं पढ़ाए जाएंगे, जैसे लॉगरिथम नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कैट में लॉग आता है, वो टॉपिक आपको अपने लेवल पे खुद से करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। यहाँ चिकन ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है, अभी ज्योमेट्री शुरू हुई है, जो स्टार्ट इंजॉइंग ज्योमेट्री, जिस तरह से पढ़ाऊंगा आपको मजा आएगा, धीरे धीरे करके आपका ज्योमेट्री इंप्रूव हो जाएगा, परेशान ना हो। ओके, HND की PDF दे दीजिए, PDF आपको मैंने लोड कर दी थी जब जब मैं PPT पढ़ा रहा था, क्लास में ही लोड कर दी थी PDF, आपको मिल गई होगी हाइट्स एंड डिस्टेंस की। अगर आप कह रहे हो अपडेट सेक्शन में डलवा दूं, तो डलवा दूंगा। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंस में साइड रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व करने में हाउ टू नो कौन सा ट्राइंगल पहले कंसीडर करना है, डिपेंड कर, देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, बट जैसे अगर 60 और 30 दोनों मौजूद हो, तो आप 30 के अपोजिट वन मत मानिए। देखिए जैसे आपको मैंने कहा 60 भी है 30 भी है, अब दो चॉइसेस हैं कि मैं पहले 30 के अपोजिट वन मान लूं, बट 30 के अपोजिट वन मानने से क्या होगा, 60 के अपोजिट अगर वन हो गया तो मुझे 30 के अपोजिट यहां 1/√3 लिखना लिखना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहूंगा कि मैं रूट की चीजें डिनोमिनेटर में लिखूं। सो बेहतर है कि मैं 60 के अपोजिट जो √3 है वो मानूं, 60 के अपोजिट अगर मैंने √3 माना, क्योंकि पता है मुझे 60 के अपोजिट अगर √3 है तो यहाँ 30 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। फिर अगर 30 के अपोजिट बड़े वाले ट्राइंगल में √3 है, तो 60 के अपोजिट ये जो वैल्यू होती है, ये वाला बेस जो होता है, वो उसका √3 गुना हो जाता है, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो डेफिनेटली दिस वन। तो ये आपको अभ्यास से ही समझ में आएगा, जो हमने सवाल किए थे उसमें भी इन चीजों का इस्तेमाल किया, यू जस्ट रैंडम ट्राइंगल बनाओ और करके देखो, आप जो दो पॉसिबिलिटीज हम दोनों को यूज करो आपको समझ में आ जाएगा, जहां पर मेरी वैल्यू, देखो होने को उत्तर दोनों से हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली साइड रेशियो का यूज करो, होगा क्यों नहीं, हो जाएगा। आप 30 के अपोजिट 1 लोगे तो 60 के अपोजिट ये पूरा √3 हो जाएगा, तो ये अंतर √3 - 1/√3 है। अब ये रेशियो के टर्म्स में कुछ बुराई नहीं है इसमें, लेकिन देखो ये कितना सिंपल है, तो वो आप एक्सपेरिमेंट करके खुद देख लो, अगर आपको अभी भी तकलीफ है समझने में इसको, तो एक बार करके देख लो। सर क्या आपके बुक से हो जाएगा या PYQ अलग से लगाना है, देखिए हमारी अगर आप बुक कर लोगे तो आपको PYQ अलग से नहीं लगाना है, उसमें अच्छे PYQ सारे हैं जो आपको अभी लगाने चाहिए, ऑल आर देयर, सो यू नीड नॉट टू हैव एनी अदर PYQ बुक, अगर वो बुक आप ले लोगे तो। अभय जी का क्या डाउट है कि लेट मी सी, मैंने आपका स्टोर बैच परचेज किया है, बट इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस शो नहीं हो रही है, मैंने इसका बताया आपको कि मैं एक बार, आप सपोर्ट को रेज कर दीजिए फिर इसको दिखवाता हूँ। ठीक है, सचिन जी का कुछ डाउट है, देख लेते हैं क्या है। सचिन जी कह रहे हैं कि मेरे पास किरण की बुक है, बट उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, चक्का 6-7 महीने लग जाएंगे उसको करने में, सारे सवाल मत करिए। देखिए मेरी बुक आप ले लो, अगर आपके को मॉनेटरी इशू नहीं है, आप 500 रुपये और खर्चा कर सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, तो किताब ले लो, वर्थ है लेना, क्योंकि उसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, फोकस तरीके से उसको कर लो, टेंशन फ्री होके मस्त। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट सोल्यूशन दिया हमने, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप और बढ़िया रिलेट कर पाओगे। तो अगर मॉनेटरी इशू नहीं तो ले लो किताब, अगर मॉनेटरी इशू है तो किरण से मैनेज करो, बस उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन करो, सारे मत करो। ठीक है, हाँ जी। ये बच्चा कह रहा कि चलो कोई नहीं, कल ही मिलते हैं यार, कल तो YouTube पे आना है तो आ जाना, बाकी हम लोग मिलेंगे अब परसों, मंडे को क्लास करेंगे आपकी शाम को 6 बजे। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।